बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुजफ्फर हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद एमजेड। तो फ्रेंड्स, क्या हैं आज की लेटेस्ट अपडेट्स पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। इसके अलावा आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, पाकिस्तान की क्या पोजिशन है और पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टेस्ट रैंकिंग में नई छलांग लगाई है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की दोबारा टीम में वापसी कब हो रही है, इसकी अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे आज के शो में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस शो को एंड तक लाजमी देखिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कर लें और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। आईसीसी ने टेस्ट की नई रैंकिंग जारी कर दी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज तीन दर्जे तरक्की पाकर नंबर 6 पोजीशन पर आ गए। इससे पहले बाबर आजम नंबर 9 पोजीशन पर मौजूद थे टेस्ट रैंकिंग में, लेकिन अब बाबर आजम नंबर 6 पोजीशन पर आ गए हैं। भारत के विराट कोहली इस वक्त टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ दूसरे जबकि न्यूजीलैंड के केम विलियमसन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें टीम रैंकिंग की तो टीम रैंकिंग में पाकिस्तानी टीम 8वें नंबर से अब 7वें नंबर पर आ गई है और भारत पहले नंबर पर मौजूद है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, साउथ अफ्रीका तीसरे, इंग्लैंड चौथे और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 5वें नंबर पर मौजूद है आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान का कामयाब दौरा करने के बाद अपने वतन वापस रवाना हो चुकी है। खासे खुश और मुतमईन नज़र आ रहे थे श्रीलंकन प्लेयर्स, आप उनके ट्विटर अकाउंट पर आप ट्वीट्स देख सकते हैं, वो कितने जो हैं वो खुश थे पाकिस्तान के दौरे को, उन्होंने इंजॉय किया। उनका कहना था कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है पाकिस्तान में और बेहतरीन जो है इंतज़ाम हैं और हमें इस दौरे से हमने काफ़ी इंजॉय किया, ऐसा कहना था श्रीलंकन क्रिकेटर्स का। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब से जब पूछा गया कि सरफराज अहमद की वापसी कब हो रही है, तो एहसान मानी साहब का कहना था कि सरफराज अहमद पाकिस्तान के बेहतरीन कैप्टन हैं, बेहतरीन प्लेयर हैं और जैसे ही वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी फॉर्म को बहाल करते हैं वो दोबारा से कौमी टीम में वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हैं आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अगर अपडेट्स अच्छी लगी हैं तो लाइक ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।